सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे भी कलअदम करार दिया है। इस हवाले से हम तफसीलात ले लेंगे, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान वसीम। इमरान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीली फैसला जारी किया गया है, क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, पंजाब में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मामला था जिस पर गुज़िश्ता मंगल के रोज जो है वो फैसला महफूज किया गया था, आज चीफ जस्टिस काजी फैज साहब की जानिब से ये महफूज किया गया फैसला जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। इस फैसले में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से इजाफी नोट तहरीर किया गया है, जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का नोट है उसके के साथ जजमेंट और उनके नोट के साथ जो है वो एग्री इत्तफाक किया गया है। इस फैसले में ये करार दिया गया है कि 12 जून का जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपने हमें तफसीला इस हवाले से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे भी कलअदम करार दिया है। इस हवाले से हम तफसीलात ले लेंगे, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान वसीम। इमरान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीली फैसला जारी किया गया है, क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, पंजाब में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मामला था जिस पर गुज़िश्ता मंगल के रोज जो है वो फैसला महफूज किया गया था, आज चीफ जस्टिस काजी फैज साहब की जानिब से ये महफूज किया गया फैसला जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। इस फैसले में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से इजाफी नोट तहरीर किया गया है, जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का नोट है उसके के साथ जजमेंट और उनके नोट के साथ जो है वो एग्री इत्तफाक किया गया है। इस फैसले में ये करार दिया गया है कि 12 जून का जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपने हमें तफसीला इस हवाले से आगाह किया।